If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now. And don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Hello guys, how are you? My name is Fawad. First of all, thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. Aap logon ne khabar to sun hi li hogi ki General Pervez Musharraf, retired General Pervez Musharraf, sabiq president of Pakistan, unko sazaye maut ho gayi hai treason par. गद्दारी के मुकदमे पर हमारे कॉन्स्टिट्यूट में गद्दारी की सज़ा मौत है और लिखा हुआ है सुनहरे हरफों से, मगर आज तक किसी को मिली है नहीं। शॉकिंग न्यूज़ थी टू बी ऑनेस्ट। मुशर्रफ पे ट्रायल तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन वो ट्रायल के लिए हाजिर नहीं हुए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कभी भी हाजिर नहीं हुए। बहाने करते रहते थे सिक्योरिटी के कि वो जब आएंगे पाकिस्तान में तो उनको मार दिया जाएगा, ये है वो, वो जो टिपिकल पॉलिटिशियंस करते हैं या करप्ट लोग करते हैं। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बाहर निकालने में बहुत मदद की थी जब उनका टेन्योर था लास्ट टाइम, और फिर उसके बाद बोलते हैं हमने तो नहीं निकाला, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हा हा इसी तरह नवाज शरीफ भी चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई, तो सब निकल तो जाते हैं फिर उसके बाद रोते रहते हैं बैठ के। एनीवेज, मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है, 30 दिन है उनके पास कि वो अपना रिव्यू पिटीशन में डालें, फिर उसके बाद उनको पाकिस्तान आना होगा और अपने आप को सही साबित करना होगा। ये बहुत लंबा चलने वाला है केस, जो जो शादियाने बजा रहे हैं ना इस केस के ऊपर कि हाँ भाई मुशर्रफ को सज़ा मिल गई, पावरफुल को सज़ा मिल गई, जब वो लटकेगा ना फांसी पर तब मैं आप लोगों से पूछूँगा कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है ना वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। आई हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंस, आई हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया, सब लोग शादियाने बजा रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई और फिर उसके बाद उनको नाइल कर दिया गया लाइफ टाइम। देख लो, मुँह चढ़ा के नवाज शरीफ चला गया है पाकिस्तान से बाहर, उसकी बेटी भी जाने वाली है। गलत रिपोर्टें, गलत मेडिकल हिस्ट्री दिखाई गई और गलत सारे बयानात दिए गए, और कोर्ट को चकमा लगा के कैसे निकला है वो पाकिस्तान से, और कोर्ट ने भी रिलीफ कर दिया कि भाई ईसीएल से नाम निकालो। इमरान खान ने कोशिश की उसको रोकने की, बट उसका नहीं चल सका। तो कोर्ट भाई किस सूरत में इंसाफ देते हैं, हु नोज। बैक एंड में क्या उनकी डीलिंग चल रही होती है, हु नोज। मगर जो आम बंदा है, मेरे जैसा आप जैसा, हम लोग तो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे कोर्ट, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम फैसले करता है, क्या वो आवाम की फेवर में है कि नहीं। ये मुशर्रफ का इन्होंने फैसला सुना दिया, आवाम की फेवर में है? आई डोंट थिंक सो। मुशर्रफ और इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, दे आर नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानियों के जो बेसिक मसाइल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस, महंगाई, वो आसमानों को छू रही है, इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं हो रहा। बस दे धनाधन हमारा मीडिया भी लगा हुआ है, कोई नवाज शरीफ को उठाने में लगा हुआ है, कोई मुशर्रफ को बिठाने में लगा हुआ है, कोई इमरान खान के उठाने में लगा हुआ है। तो हमारा जो मीडिया है ना, हम लोग यार इंडिया के मीडिया को बोलते हैं कि गोदी मीडिया, हमारा भी फोदी मीडिया ही है पाकिस्तान का, कोई सिंगल ग्राउंड लेवल इशू जिसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाए, जितने भी प्राइम टाइम शोज़ हैं और बड़े बड़े एंकर्स हैं और सहाफ़ी हैं, वो सब क्या बोलेंगे, टठे चुक रहे हैं जरदारी के, नवाज शरीफ के, क्योंकि उनसे लिफाफे लिए हुए इन लोगों ने। कोई भी आवाम के मसाइल के ऊपर बात नहीं करता, और हमारा जुडिशियल सिस्टम ये रिव्यू पिटीशन तो ऐसे लेते हैं पॉलिटिशियंस की और इन बड़े बड़े लोगों की, जो आम बंदा है वो 20-20 सालों से जेलों में सड़ रहा है, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन ये लोग आते हैं, चलो भाई मंडे को पिटीशन डालो और ट्यूज़डे को सुन लिया जाता है, वेनसडे आउट। क्या ज़बरदस्त सिस्टम है भाई अगर देखा जाए तो, वाह वाह वाह। लेकिन जब तक इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आएगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेनिफिट नहीं होगा। लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। बांग्लादेश में देखो यार, हमारे बाद आज़ाद हुआ था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अस,
مگر حسینہ واجد جب آئی ابھی اپنے ٹینیور میں ایک ایک کو لٹکا دیا, جس جس نے غداری کی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ یا کوئی ایسی کنسپیریسی بنا رہے تھے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو نقصان ہو. آپ دیکھو کیا کیا ہے اس عورت نے یار, بنگلہ دیش کہاں سے کہاں جا رہا ہے. مگر ہم لوگ ابھی تک وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں اور بیکورڈ جا رہے ہیں, بیکورڈ جا رہے ہیں, ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان میں ٹوریزم بڑھایا جا رہا ہے, خوبصورت ہے پاکستان, ڈیجیٹل پاکستان, یہ 8-10 سال کے بعد ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے, مگر جو کوئک فکسز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, میرا ایز اے پاکستانی زیرو کانفیڈنس ہے, کیونکہ پولیٹیشنز کو جتنا ریلیف مل رہا ہے اور جس طرح سے منہ چڑھا کے اور جھوٹے ثبوت پیش کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں, بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پر. دیٹس اٹ گائز, مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے کہ مشرف کو کوئی پھانسی ملی ہے یا میں ایکسائٹیڈ ہوں. ہاں شوق ضرور ہے کہ ایک بندے کا ٹرائل ہی نہیں ہوا اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی بنا سنے. آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہم لوگوں کا تو بس اسی طرح چل رہا ہے. ابھی ہم کیا بولیں, پراؤڈ پاکستانی یا پراؤڈ ہم یہ, ان چیزوں پہ پراؤڈ کریں گے جہاں پر کسی کو بھی انصاف صحیح طریقے سے مل ہی نہیں پاتا ہے. تو جس قوم میں انصاف ختم ہو جائے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ, یہ بات یاد رکھنا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پاکستانیوں کو عقل عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم اینڈ گڈ بائے.